Good morning students, welcome to English class. Today we will study chapter number 1, the wise lesson. We have already read this chapter. तो हम जो है इस chapter को the wise lesson जो हमारा ये चैप्टर है द वाइस लेसन ये वाला ये हम पहले ही रीड कर चुके हैं. तो देखते हैं हमने इसमें क्या क्या कर लिया है. सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कर ली है. सेकंड पे इंट्रोडक्शन, हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स नोटबुक पे किया है हमने. थर्ड नंबर पे है टेक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग ये हमने किया था बुक में, बुक एक्सरसाइज. उसके बाद है हमारे क्वेश्चन आंसर. इसके क्वेश्चन आंसर भी जो है हमने नोटबुक में कर लिया है. तो अभी हम जो है इसका ग्रामर पार्ट करेंगे. जो ग्रामर का पोर्शन था चैप्टर नंबर 1 का वो करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एंड हेयर इज़ योर ग्रामर पोर्शन. फर्स्ट है यहाँ पे फिल अप द मिसिंग लेटर्स एंड कम्प्लीट द वर्ड्स. मतलब हमें इसमें जो इसके मिसिंग लेटर है वो हमें इसमें फिल करके वर्ड को कम्प्लीट करना है. तो फर्स्ट नंबर पे हमारा वी डैश एल एल डैश जी डैश. तो इसमें हमने क्या फिल किया है, आई वी आई डबल एल ए जी ई. तो ये क्या बन गया, विलेज. सेकेंड नंबर पे है हमारा आर डैश सी एच. तो हमने इसमें फिल किया है आई. तो ये क्या बन गया, रिच. थर्ड है एस ए वी ई आर ए एल सेवरल. फोर्थ है हमारा ओ आर पी एच ए एन ऑर्फन. तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, ये तो मैंने फिल कर दिया है लेकिन आपकी बुक में जो है फिल नहीं हो रहा होगा. तो जहाँ पे डैश है वहाँ पे हमने मिसिंग लेटर लिख के उस वर्ड को कंप्लीट करना है, पूरा करना है. फिफ्थ है हमारा हॉस्पिटल एच ओ एस पी आई टी ए एल. सिक्स्थ टेरिबल टी ई आर आर आई बी एल ई. तो इसी तरीके से हमारा सेवन्थ है विजडम, एट्थ प्रेजेंट, नाइन्थ कस्टर्ड, टेंथ मनी. ओके, तो ये आपको अपनी बुक में फिल करना है. इसका नेक्स्ट पार्ट है आपका यहाँ पे जी पार्ट. रीअरेंज द ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स. मतलब यहाँ पे जो है आपको ये वाले ग्रुप में लेटर्स लिखे हुए हैं, इसको हमें रीअरेंज करके मतलब दोबारा से सही करके मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं जिसका कोई मतलब होता हो. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में दे रखा है सी ई आर ई एस आई एन. तो ये तो कोई भी वर्ड नहीं होता, तो हमने इसमें से इसको रीअरेंज करके जो एस आई एन है लास्ट का, थ्री वो लेटर्स है लास्ट के एस आई एन, वो तो हमने स्टार्टिंग में कर दिया है. और उसके बाद जो स्टार्टिंग के फर्स्ट फोर लेटर्स हैं सी ई आर ई, उसको हमने लास्ट में कर दिया. तो ये क्या बन गया, सिंसियर. ओके, सेकंड है हमारा ए एन डी एल. तो इसमें जो है हमने लास्ट का फर्स्ट लेटर एल स्टार्टिंग में कर दिया है और स्टार्टिंग के थ्री लेटर्स ए एन डी लास्ट में कर दिए हैं, तो वो क्या बन गया, लैंड. थर्ड है हमारा डब्ल्यू ए वाई एस ए एल. तो इसको हमने लास्ट के टू लेटर्स स्टार्टिंग में कर दिए हैं और स्टार्टिंग के फोर लेटर्स लास्ट में कर दिए हैं, तो ये क्या बन गया, ऑलवेज. फोर्थ है हमारा, इसी तरीके से फोर्थ को हमने लास्ट के टू लेटर्स को स्टार्टिंग में कर दिया, स्टार्टिंग के फोर लेटर्स को लास्ट में कर दिया, तो ये क्या बन गया, फेमाइन. इसी तरीके से हमारा फिफ्थ है वो बन जाएगा पुअर. सिक्स्थ बन जाएगा रिच. सेवन्थ बन जाएगा वाटर. एट्थ बन जाएगा विजडम. नाइन्थ हमारा यहाँ पे बनेगा मास्टर एंड टेंथ बन जाएगा ऑनेस्टी. ओके, तो आपको स्टूडेंट्स
ये बुक में अपने फिल करना है अच्छे से, नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट है हमारा इसका एच पार्ट, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें क्या है, जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, जो शब्द दिए हैं, उससे हमें जो है सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है रिच। रिच का मतलब क्या होता है, अमीर। तो इसका हमने बनाया है बहुत ही सिंपल सा, शी हैज़ अ रिच फैमिली। तो इसका क्या होता है हिंदी में, उसका एक अमीर परिवार है। आप चाहे तो यहाँ पे साइड में हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं इसका मतलब, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये था हमारा रिच, इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड है विजडम। विजडम का मतलब आपको मैंने उस दिन बताया था चैप्टर में, बुद्धिमान, बुद्धिमता। विजडम इज ओनली फाउंड इन ट्रूथ। इसका क्या मतलब है, जो ज्ञान होता है, बुद्धिमानी होती है, केवल सत्य में पाया जाता है, मतलब सच्चाई में ही पाया जाता है। इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो हिंदी में। थर्ड है हमारा पुअर। पुअर मीन्स गरीब, मतलब खराब गरीब, दोनों मतलब होते हैं इसके। इसका हमने बनाया है द हाउस वॉज इन पुअर कंडीशन, मतलब घर खराब हालत में था। फोर्थ है हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल। ही वर्क्स एट अ हॉस्पिटल, वह एक अस्पताल में काम करता है। फिफ्थ है हमारा गोल्ड। गोल्ड मीन्स स्वर्ण। शी वॉन ओलंपिक गोल्ड, उसने ओलंपिक स्वर्ण जीता। सिक्स्थ है हमारा डीप। डीप का क्या मतलब होता है, बहरा। He has been deaf since birth. इसका मतलब होगा वह जन्म से ही बहरा है। सेवंथ है हमारा बैटर। They make better computers. इसका मतलब होगा वे बेहतर, मतलब अच्छे, मतलब और बेहतर कंप्यूटर बनाते हैं। एट्थ है हमारा मैन। मैन का मतलब आप जानते हो, आदमी। That man is old. इसका मतलब क्या होगा, वह आदमी बूढ़ा है। तो इस तरीके से आपको इन वर्ड्स से जो है सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट हम करेंगे बूस्ट योर ग्रामर। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बूस्ट योर ग्रामर। इसमें फर्स्ट पार्ट है राइट द ing फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। तो यहाँ पे आपको वर्ब्स दिए हुए हैं, उसमें हमें ing लगा के उसको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है sell, तो इसका क्या बन जाएगा, sellinging। सेकंड है हमारा throw, तो इसका हमें क्या लास्ट में ing ऐड कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा, throwing। इसी तरीके से सेम आपको नेक्स्ट वाले भी करने हैं। थर्ड मेक, मेक के आगे ई हटा के ing लगा देंगे, तो ये बन जाएगा मेकिंग। बैग, बैग में be, जी से डबल जी हो जाएगा, मतलब beggging हो जाएगा। गेट, गेट में getting। गिव, इसमें लग जाएगा ई हटा के ing लग जाएगा, तो ये बन जाएगा गिविंग। नेक्स्ट है हमारा इसका सेकेंड पार्ट जो है, मतलब जे पार्ट है सॉरी, राइट ए और एन बिफोर दीज वर्ड्स। मतलब हमें इन वर्ड्स के आगे ए और एन राइट करना, लिखना है। तो आप जैसे जानते हो ए है जो नॉर्मल वर्ड्स के आगे लगता है, और एन कहाँ पे लगता है, जो वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट होते हैं उनके आगे क्या लगता है, एन। और वॉवल कौन कौन से वर्ड होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो फर्स्ट है हमारा मैन, तो ये वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसमें क्या लग जाएगा, ए। सेकंड है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल भी वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा, नॉर्मल वर्ड है, तो इसमें भी लग जाएगा ए। थर्ड है हमारा ग्रेन, ग्रेन भी कोई वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा, नॉर्मल वर्ड है, तो इसमें लगेगा ए। फोर्थ आप दे सकते हैं ऑरेंज। ऑरेंज में जो फर्स्ट लेटर है इसमें वॉवल है, तो इसके आगे क्या लगेगा, एन। सेम फिश के आगे ए। सिक्स्थ हाउस के आगे ए।
एंड सेवन्थ ऑनेस्ट मैन. ऑनेस्ट के आगे क्या लगेगा? एन. एन क्यों लगेगा? क्योंकि जो इसमें एच होता है वो साइलेंट होता है और ओ से स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए इसमें क्या लगेगा? एन. अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे. नेक्स्ट पार्ट है के पार्ट. लर्न द फॉलोइंग कंपेरिजन्स एंड टिक द करेक्ट वर्ड्स टू कम्प्लीट ईच सेंटेंस. मतलब हमें अभी लर्न करनी है कंपेरिजन्स और टिक करना है कौन सा जो करेक्ट वर्ड है जो इस सेंटेंस को करेक्ट करता है उस पर टिक लगानी है. फर्स्ट है हमारा एज ब्लैक एज, कोल और डार्क. मतलब काला. काला किसकी तरह? कोल की तरह. कोल क्या होता है? कोयला होता है. काला, तो इसका आंसर क्या होगा? कोल. सेकंड है हमारा एज वाइट एज स्नो और कलर. तो हमारी स्नो क्या होती है? वाइट, तो इसका आंसर होगा स्नो. थर्ड है हमारा एज जेंटल एज अ लैम्ब और डॉग. तो जेंटल का मतलब क्या होता है? सौम्य सज्जन, ठीक है. और लैम्ब क्या होता है? जो हमारी बकरी होती है उसके बच्चे को क्या बोलते हैं? लैम्ब. तो बकरी के बच्चे की तरह एकदम सौम्य. फोर्थ है एज स्वीट एज शुगर या हनी. तो सबसे ज़्यादा मीठी कौन सी होती है? शुगर, तो इसका आंसर होगा शुगर. फिफ्थ है एज डीप एज अ सी और वेल. तो सबसे ज़्यादा गहरा क्या होता है? सी, तो इसका आंसर होगा सी, मीन समुद्र. सिक्स्थ है एज कनिंग एज अ फॉक्स और वॉल्फ. तो सबसे ज़्यादा चलाक कौन होता है? लोमड़ी, फॉक्स, तो इसका आंसर होगा फॉक्स. एज बिजी एज अ बी और बिच. तो किसकी तरह? बी की तरह, मतलब मधुमक्खी की तरह बीजी, व्यस्त. एट्थ है एज बोल्ड एज अ बियर और लायन. तो इसका आंसर होगा लायन, मतलब लायन की तरह साहसी. नाइन्थ है एज ग्रीन एज ग्रास और क्लोथ. ग्रास क्या होती है? ग्रीन होती है, तो इसका आंसर होगा ग्रास. टेंथ है एज हॉट एज फायर और टी. तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा गर्म क्या होता है? फायर, तो इसका आंसर होगा फायर. इलेवेंथ है हमारा एज फेथफुल एज अ डॉग और कैट. फेथफुल मीन्स वफादार, तो इसका आंसर आप जानते हो, इसका आंसर है डॉग. डॉग जो है सबसे ज़्यादा वफादार होते हैं. ट्वेल्थ एज रेड एज फ्लावर और ब्लड. तो ब्लड जो है हमारा रेड होता है, तो इसका आंसर होगा ब्लड. थर्टीन है एज हैवी एज लेड और चेयर. तो ये जो हमारी लीड होती है वो ज़्यादा हैवी होती है वुड के मुकाबले, तो इसमें ये जो लिड है वो ज़्यादा हैवी हो जाएगी, मीन्स भारी. फोर्टीन्थ एज स्टूपिड एज एन एज और ऑक्स. तो यहाँ पे ए डबल एस जो है इसका मतलब होता है गधा और ऑक्स का मतलब बैल. तो स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़, तो बेवकूफ़ किसकी तरह है? गधे की तरह. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है. इसकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है और बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और नोटबुक का काम भी कंप्लीट हो गया है. तो आपको ये पूरा चैप्टर आपकी बुक में नोटबुक में कंप्लीट करना है और इसको लर्न करना है. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में.